गुड इवनिंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. सो रिजर्व ऑफ इंडिया हैज रिलीज द बैंकिंग डेटा एज एट 21st अप्रैल 2023 टुडे. एज पर दिस डेटा द बैंक्स डिपॉजिट हैव ग्रोन बाय 10.2% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस. ईयर टू ईयर मीन्स वट वॉज द लेवल ऑफ डिपॉजिट लास्ट ईयर ऑन द सेम डेट एंड वट इज द लेवल ऑफ डिपॉजिट ऑफ बैंक्स ऑन दिस डेट. So this growth is called year on year growth. Advances growth is 15.9%. So credit growth continues to be robust. The credit growth continues to be better than deposit growth, and this is good for the profitability of banks. This channel contains lot of videos on banking, finance and economics. Playlist link is available in description. Watch all those videos and gain knowledge. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंकिंग के 21 अप्रैल 2023 के आंकड़े घोषित किए. इसके अनुसार जो जमा राशियां हैं उसमें जो वृद्धि दर है वो है 10.2%, और ये ईयर टू ईयर ग्रोथ है. ईयर टू ईयर ग्रोथ का मतलब होता है कि जो 21 अप्रैल 2023 को टोटल जमा राशियों का आंकड़ा है और पिछले वर्ष इसी दिन 2022 में क्या जमा राशियों का आंकड़ा था उसके ऊपर कितनी ग्रोथ है. इसी तरीके से क्रेडिट की ग्रोथ बताई जाती है. क्रेडिट की ग्रोथ है 15.9%. बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, और क्रेडिट ग्रोथ अभी भी डिपॉजिट ग्रोथ से ज़्यादा बनी हुई है, और इस वजह से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी हायर रहेगी, और ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए. इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से संबंधित. ये सभी वीडियोस आप देखिए. इसकी प्लेलिस्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है. गॉड ब्लेस यू ऑल.